दिल्ली के चांदनी चौक में रविवार की रात से तनाव है, और यह तनाव इसलिए क्योंकि वहां एक दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ हुई। वैसे तो आज इलाके के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वहां गए और मंदिर में हुए इस हंगामे और उत्पात पर दुख जताया और कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस मामले पर सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब तक पुलिस दोषियों पर कार्रवाई के नाम पर सन्नाटे में खड़ी दिखाई देती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी आज सफाई दी कि मैं संसद में व्यस्त था, इसलिए पहले आ नहीं सका। यह मामला असल में एक मामूली पार्किंग विवाद से शुरू हुआ था, जिसके बाद धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ की नौबत कैसे आई, इसको लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इस मामले के पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश हो सकती है। इसलिए दंगल में आज हम जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो ये कि क्या दिल्ली में दंगाई मस्त है और पुलिस पस्त है। आज की बहस शुरू करें उसके पहले आपको घटनास्थल से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में दुर्गा मंदिर में हुई तोड़फोड़ के दो दिन बाद इलाके के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन वहां पहुंचे थे। रविवार को पार्किंग विवाद के बाद चांदनी चौक के लाल कुआं में मौजूद प्राचीन मंदिर में हुआ उत्पात लोगों के गुस्से का सबब बन रहा है। दरअसल इतनी संवेदनशील घटना हुई, लेकिन अब तक पुलिस सिर्फ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सकी है, जिसमें एक नाबालिग है। सरकार और पुलिस की ढिलाई पर सवाल उठ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है। जिस तरीके का व्यवहार यहाँ भगवान के साथ किया गया है, मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से माफ़ करने लायक नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। रविवार को एक घर के सामने स्कूटर खड़ा करने के विवाद के बाद मामला कैसे सांप्रदायिक हो गया, ये स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हुई है। लेकिन प्राचीन दुर्गा मंदिर में भीड़ घुसी और तोड़फोड़ हुई, काफी देर तक यहाँ उत्पात मचा। बाद में एक समुदाय के लोग औजकाजी थाने का घेराव करते भी देखे गए। घटना के बाद से ही इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं, क्योंकि तनाव के हालात बने हुए हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, और सिचुएशन नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है। कुछ दुकानें जो है वो खुलना शुरू हो गई हैं। हालांकि जहाँ ये पूरा एग्जैक्ट हुआ था दुर्गा मंदिर, उससे थोड़ा सा ये 500 मीटर हम आगे खड़े हैं। यहाँ स्थिति है, दुर्गा मंदिर के आसपास तो दुकानें बंद है, लेकिन थोड़ा आगे कल तक यहाँ भी दुकानें बंद थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि यहाँ पर दुकानें जो हैं वो धीरे धीरे खुल रही है। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पुलिस की मौजूदगी यहाँ अभी भी है, साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं वो भी तैनात हैं, ताकि पूरी तरह से सिचुएशन जब तक नॉर्मल नहीं होती वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। मंदिर में तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन हुआ तो वीएचपी के प्रतिनिधियों ने पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमने पुलिस को बताया कि स्कूटी को पार्किंग पे झगड़ा था तो मंदिर पे क्यों चढ़ दौड़े, षड्यंत्र गहरा है। वहाँ पर व्यापार हिंदू करते हैं, रहने वालों में मुस्लिम ज़्यादा हैं, अपने समाज को आतंकित करके वहाँ से भगाओ, डेमोग्राफी चेंज करो, ऐसा प्रयत्न है। CCTV पे घटना कैद हुई है, हमने पुलिस को 4 दिन का समय दिया है। वहाँ पर जो वाकया हुआ पार्किंग के मामले में वो भी बड़ा दुखी वाकया है, और जो मंदिर पर हमले का वाकया है वो उससे भी हमें बड़ा दुख हुआ है। हम आपको अल्फाज में नहीं बता सकते हमें कितना दुख हुआ है। जिन लोगों ने ऐसा किया है वो धर्म के खिलाफ किया है, और इलाके के लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आती, इसीलिए भी चांदनी चौक के मंदिर में तोड़फोड़ की कार्रवाई में दिख रही सुस्ती पर ज्यादा नाराजगी है। पुलिस की चुनौती ये है कि दोषियों पर कार्रवाई हो और सांप्रदायिक तनाव भी ना बढ़ने पाए। फरीद अली के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ हैं, वो अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। संगीत रागी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, RSS से जुड़े हैं। शोएब जमई हमारे साथ हैं, वो मुस्लिम स्कॉलर हैं और आपको बता दें वो भी जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और अजय गौतम हमारे साथ हैं, वो HumHindu.com से जुड़े हुए हैं, वैसे वकील भी हैं। आप सबका स्वागत है। मेरी सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से लाइव मौजूद हैं, लगातार वहां के हालात हम आपको बता रहे हैं।
जहां स्थिति अब नियंत्रण में है। और बड़ी बात यह कि स्थानीय जो लोग हैं बड़े बूढ़े, उन्होंने आगे आकर यह पहल की है कि अगर दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति है तो जिस पर आरोप लग रहा है उस समुदाय के लोग उस धार्मिक स्थल को दोबारा बनवाने की पहल करें ताकि इस मामले को शांतिपूर्वक तरीके से हल किया जा सके। मीनाक्षी, फटाफट पहले वहां से अपडेट और पुलिस ने कार्रवाई क्या की है अब तक, यह जानना बहुत जरूरी है। जी रोहित, देखिए ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से ठीक 500 मीटर की दूरी पर ही लालकुआं वो इलाका है जहाँ पर घटना हुई है। पुलिस ने उस इलाके पर अभी बैरिकेडिंग की हुई है, वहाँ तक मीडिया को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आज का दिन जो यहाँ पर रहा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से यहाँ पर अभी बात की है, जो लोग यहीं पर बसते हैं, डेली यहाँ दुकान लगाते हैं, हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कल दुकानें बंद थी, लेकिन अगर अभी आपकी नज़र जाएगी तो आपको कतार से पूरी दुकानें यहाँ पर खुली हुई दिखाई देंगी। पैरामिलिट्री फोर्सेज भी यहाँ पर तैनात हैं और जिस इलाके में घटना हुई हम वहाँ भी गए। हालांकि वहाँ पर थोड़ी नाराज़गी अभी लोगों के मन में है, जो दो समुदायों के बीच में तनाव हुआ वो मांग ये कर रहे हैं कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी जिम्मेदारी तय हो, आरोप उन पर तय किए जाएं। इसी बीच 3 FIR अभी तक दर्ज हुई है, जिसमें से 2 क्रॉस FIR हैं और 1 FIR अन्य है। पुलिस ने जिस लिहाज से एक्शन लिया उसमें अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी हिरासत में लिया गया है, जिनको लेकर अभी कार्रवाई आगे क्या होती है यह हमें देखना होगा। और सबसे अहम जो CCTV फुटेज होगा उसे पुलिस अभी अलग अलग तरह से एनालाइज कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी है कि जो भी अफवाहें या वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, कम से कम जब तक उनकी पुष्टि ना हो जाए पुलिस की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से, उन्हें किस तरह से रोका जाए ये एक चुनौती अभी पुलिस के आगे बनी हुई है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले देखिए ये फतेहपुर मस्जिद ठीक मेरे पीछे है, यहाँ के इमाम साहब से हमारी बात हुई और जिस बात का जिक्र रोहित आप भी कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा जो घटना हुई वो गलत थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब कम से कम बाहरी तत्व यहाँ ना आए, किसी भी तरह का नुकसान यहाँ के जो यहाँ पे समन्वय है लोगों के बीच में, जो सोशल हार्मोनी है उसे, उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना हो। बाहरी लोगों की तरफ इशारा न सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि उन ग्रुप्स से भी है जो यहाँ पर बातचीत के जरिए नारेबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की सिविल सोसाइटी की तरफ से भी आवाज़ निकल रही है कि कम से कम जो तनाव उस दिन हुआ अब वो आगे बढ़ने की सूरत में ना आए, क्योंकि पुरानी दिल्ली जिस बात के लिए जानी जाती है, जिस गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, वो माहौल यहाँ नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी वहां से ये क्विक अपडेट देने के लिए, वहां के ताजा हालात बताने के लिए। मीनाक्षी कंडवाल दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में जहां ये पूरी घटना हुई थी वहां से आपको लाइव बता रही है। लेकिन संबित पात्रा, दंगाई मस्त है और पुलिस पस्त है, सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल है, हम वो तस्वीरें हालांकि नहीं दिखा रहे लेकिन उनमें चेहरे पहचाने जा सकते हैं, उनको पकड़ा जा सकता है, उन पर कार्रवाई करने में आखिर दिक्कत क्या है? देखिए रोहित जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको एक अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग शांति और सौहार्द बना के रखें और किसी प्रकार के झड़प में भाग ना लें। दूसरी बात है कि सोशल मीडिया में जिस प्रकार की अफवाहें चलती है, जैसे कि कल किसी की मौत की अफवाह चली और उसके बाद बहुत सारा झड़प हो गया परसों, तो उस प्रकार की अफवाहों में भी विश्वास ना करें। तीसरी बड़ी बात है जो आपका प्रश्न था कि पुलिस क्या कर रही है, देखिए अभी मीनाक्षी जी ने भी डिटेल में कहा कि पुलिस एक तो 3 FIR दर्ज करा चुकी है, 5 से 6 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है और जो CCTV फुटेज है उसके एनालिसिस के आधार पर बाकी लोगों के ऊपर भी शिकंजा कस रही है। पुलिस के पास 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि यह संवेदनशील मामला है इसलिए पूरा विषय 2 संप्रदायों के बीच में एक दंगे के रूप में, किसी प्रकार के झड़प के रूप में आगे न बढ़ जाए उसको कंट्रोल करना, और उसी के बीच जिन लोगों ने इस प्रकार की हरकत की है, ये कुकृत्य किया है, उनको गिरफ्तार करना और उनके खिलाफ कार्यवाही करना। तो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पुलिस भी अपना काम कर रही है। अभी हर्षवर्धन जी ने भी हम सबको आश्वासित किया है कि यह बहुत ही जघन्य अपराध है और किसी भी कुकृत्य करने वाले अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये हम आपको आश्वासित करते हैं। पात्रा जी, ऐसे ही आश्वासन आप देते अगर बंगाल में ऐसा हो गया होता तो स्वीकार करते हैं दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर फेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भीड़ आती है एक धार्मिक स्थल पे हमला कर देती है, पार्किंग के झगड़े में वहां तोड़फोड़ मच जाती है और 3 दिन बाद सांसद जी जाते हैं और शाम को आप बैठ के ये डिफेंस देते हैं कि नहीं नहीं कार्रवाई हो रही है क्योंकि सेंसिटिव मामला इसलिए आराम आराम से कर रहे हैं। बंगाल में भी इतना आराम बरतते हैं आप लोग? नहीं, आराम आराम से नहीं कर रहे हैं। नहीं, बंगाल देखिए, एक तो है कि देखिए बंगाल और दिल्ली को कंपेयर कर रहे हैं, मैं इसकी बता देता हूं, बंगाल में कोई अरेस्ट होता ही नहीं, उल्टा उल्टे संप्रदाय के लोग अरेस्ट हो गए होते, उल्टा ये कहा गया होता कि दूसरे वाले जिम्मेदार थे, ये कभी कहा ही नहीं जाता। वहाँ पर तो मुख्यमंत्री निकल कर कहती कि यहाँ पर तो जो पार्किंग के लिए दूसरे समुदाय वाले जो है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। तो इसलिए बंगाल और दिल्ली में जो हुआ है, दिल्ली में हम नहीं कह रहे हैं,
हम तो कह रहे हैं कि दोषी लोग हैं और उनको सजा होनी चाहिए। ग्रुप बाई ग्रुप लोग जाके कमिश्नर से मिल भी रहे हैं, कमिश्नर से अपील भी किया हुआ है, कमिश्नर खुद जांच भी रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हो भी रही है, त्वरित कार्यवाही भी हुई है, किसी को छोड़ा भी नहीं जाएगा और हम इस जघन्य अपराध का। हाँ, आप पॉलिटिकली करेक्ट होने की जहमत नहीं उठाते, लेकिन दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर आपके तहत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, इसलिए यहां आपको पॉलिटिकली करेक्ट दिखना पड़ता है। सही कह रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहां पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। देखिए, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश तो यह बहुत विडंबना है कि भारतवर्ष में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, हर कोई कोशिश करता है, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा था आपके रिपोर्टर ने भी संप्रदाय, दो समुदाय, एक संप्रदाय, एक समुदाय के लोग, उन्होंने भी नहीं कहा किसने तोड़ा, किसने फोड़ दिया, किसने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, यह आपके रिपोर्टर ने भी नहीं कहा। पात्रा जी, हमने तो अपने लिए नियम बनाए, हम उनका पालन करते हैं, कोशिश कर रही थी, लेकिन आप लोग तो खुल के सारी बात कहते आए हैं। बंगाल में होता तो मैं साफ साफ कह रहा हूं कि आप कहते हैं, यहीं बैठ के कहते हैं आप, बंगाल में होता तो, लेकिन दिल्ली में है, आप बैकफुट पर हैं, आप ही के लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए आप परेशान हैं, आपको लग रहा है जवाब कैसे दें इस पे? रोहित जी, ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है, मंदिर भी हमारा टूट जाए, फिर परेशान भी हम ही हो, ऊपर से आप भी हमारे ऊपर चढ़ावा कर दें, ऐसे नहीं होता है रोहित जी। देखिए, सरकार या आप भी जानते हैं, यहां बैठा आपके तहत तो किससे सवाल पूछे, अरविंद केजरीवाल से पूछे जाके? हाँ हाँ, बताइए, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? दिल्ली पुलिस का डर क्यों खत्म हो गया? दिल्ली पुलिस के होते हुए ऐसा कैसे हो गया? कृपया करके अरविंद केजरीवाल जी से पूछूं, सुनिए ना, कृपया करके इस मामले में नहीं, कृपया करके अरविंद केजरीवाल जी से पूछिएगा ही नहीं। पात्रा जी, कृपया करके अरविंद केजरीवाल जी से पूछिएगा नहीं, वो कुछ बोलेंगे नहीं। बोलिए बोलिए संबित। मैं तो रोहित जी, अरविंद केजरीवाल से कुछ मत पूछ लीजिएगा, मुझसे ही पूछिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कुछ बोलेंगे नहीं, आप पूछते ही रह जाएंगे। हाँ, उल्टा होता तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद आके अभी झारखंड के बारे में, गुरुग्राम के बारे में, सबके बारे में बोल रहे होते। गुरुग्राम में भी हमारी सरकार है, हरियाणा में हमारी सरकार है ना, क्या हम वहां चुप थे? क्या हमने वहां पर पर्दाफाश नहीं किया था? क्या हम डिबेट नहीं कर रहे थे? जिस लड़के के सीसीटीवी फुटेज के पश्चात सारा पर्दाफाश हुआ, क्या वहां हम बैकफुट पे थे? बिल्कुल नहीं, हम वहां भी फ्रंट फुट पे थे। देखिए, अपीजमेंट ऑफ नन एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्टैंड रहा है। ना तो गुरुग्राम में हम पीछे थे और ना ही दिल्ली में हम किसी प्रकार से पीछे, जो सत्य है सत्य को कह रहे हैं। ठीक ठीक शोएब साहब, अब बोलिए, अब क्या कह रहे हैं, बोलिए, फिर अजय जी बोलिए। देखिए, अभी संबित जी बहुत सिलेक्टिव हो रहे थे, अब बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात कर रहे थे। सर देखिए, ये एक सिलेक्टिव जो है स्ट्रैटेजी, ये नहीं चलेगी। अगर जहां गलत हो रहा है तो गलत कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। किसी एक हमारे संप्रदाय से जुड़े हुए लोग अगर कहीं गलत करते हैं तो मैं उसको गलत कहने की हिम्मत रखता हूँ। और अगर एक हफ्ते पहले एक भीड़ आकर के जो है मस्जिद पे हमला करने की फिराक में थी और पुलिस बुला करके उसको जो है रोका गया, तो वहाँ पर भी संबित जी को गलत कहने की हिम्मत रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए, ये एक जांच का विषय है वाकई में। जैसे अनिल पांडे जी हैं उस मंदिर के पुजारी, उन्होंने कहा कि 12 बजे रात में आकर के एक मॉब ने वहाँ पर थोड़ी बहुत तोड़फोड़ की है, लेकिन जांच तो होनी चाहिए ना कि कौन सी वो मॉब थी। थोड़ी बहुत क्या होती है सर, या तो तोड़फोड़ होती है या नहीं होती, थोड़ी बहुत क्या होती है? देखिए, मैं आप भी तो वही पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत भी कह दूं और कोई मुझ पे आरोप भी ना लगा पाए कि मैंने गलत कह दिया। पुजारी ने कहीं अपना ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा। जब आप तबरेज अंसारी के लिए यहां बैठे थे, आके लोग थे सर, शोएब साहब सुनिए ना, जब आप तबरेज के लिए यहां आकर बैठे थे और ये कह रहे थे कि ये जय श्री राम कह के ऐसा करने वाले गुंडे हैं, इनको फांसी लटका देना चाहिए, वो जोश आपकी आवाज में आज क्यों नहीं है कि ये धार्मिक स्थल पे हमला करने वाले गुंडे हैं, इनको तुरंत अंदर लेकिन सवाल यह है कि ये जांच का विषय है और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की। अच्छा, वहाँ सारी जांच आपने खुद कर दी थी, यहाँ आप जांच दिल्ली पुलिस के हवाले डाल रहे हैं, सारी जांच का भी फैसला आपको सुना दे रहे थे। वहाँ भी झारखंड की सरकार फेल्योर थी सर, वो भी तो झारखंड में जो बीजेपी की सरकार की फेल्योर थी ना। सवाल बड़ा सिलेक्टिव सा है सर। सवाल ये है कि ये जो इलाका है फराज खान, अजमेरी गेट, खौज काजी, सीताराम बाजार, यहाँ पर ये कोई नई चीज नहीं है, यहाँ हर 6 महीने साल में ये चीजें होती रहती हैं। कारण क्या है? कारण बड़ा सीधा है कि वहाँ जो सीताराम बाजार में हिंदुओं की आबादी बहुत छोड़ी है और बाकी के जो हैं वहाँ पर जितने भी लोग हैं वहाँ पर हिंदू दुकानदार हैं और बाकी की जो लेबर क्लास है वो सारी मुस्लिम है। वो वहाँ कहराना करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम इन लोगों के मन में डर पैदा करें और इनको किसी तरीके से डरा के ये जगह खाली कर दें। देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज मेंटेन सम डेकोरम, अलाउ मी टू फिनिश, देन यू विल बी इंटर, अलाउ मी टू कंप्लीट माय सबमिशन।
उस वहाँ ये चीज़ अब से नहीं है, होती रहती है। मैं 1992 और 2001 में खुद उस दंगे का शिकार रहा हूँ, मैं इसलिए मैं उस जगह की ज्योग्राफी में खुद जानता हूँ। जब 1992 से हो रहा है पंडित जी, तो सारे क्यों नहीं छोड़ गए? सुन तो लीजिए सर, बहुत सारे जा चुके अपनी जो सेफ्टी समझते थे, जिनको डराते थे, बहुत सारे वो लोग जा चुके। वही उनकी बात है। सवाल ये है कि जब 2014 के अंदर एक चर्च, नंद नगरी का एक चर्च था, उसका एक ग्लास टूटा था, बस अमेरिका तक छप गया, नरेंद्र मोदी की सरकार में इंटॉलरेंस इतनी बढ़ गई है, माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, ये जो आतंकवादी वहां रहते हैं, और जिन आतंकवादियों ने पार्किंग का विवाद था, स्कूटी खड़ा करने का विवाद था, धर्मस्थल का विवाद तो नहीं था, लेकिन उन आतंकवादियों ने वहां पर उस मंदिर पर हमला क्यों किया, मुझे ये बताइए। आज आप बता दीजिए, कैंडल मार्च निकालेंगे आप, कैंडल मार्च निकालेंगे या तो आप आतंकवादी जब शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, ये भी और आप भी दोनों ही इस तरह की वारदातों में जब आप आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है आप उन आतंकवादियों को जो बंदूक लेके दिन दहाड़े, बम लेके दिन दहाड़े चढ़ बैठते हैं किसी भी समुदाय पर, बिना धर्म जाति संप्रदाय देखे हुए, उनको आप असल में लिबर्टी दे देते हैं। सर एक बात बताइए, किसी के धार्मिक स्थल पे, सुनिए तो सही सर, लड़ाई मेरी और आपकी हो सकती है, भगवान से क्या लड़ाई हो सकती है? आप रात पर, रात को 12 बजे जाते हैं उस मंदिर के बाहर, नारे लगाते हैं अल्लाह अकबर के, और वहां जाके मूर्तियों पे आप जूता फेंकते हैं, मूर्तियों को फर्श करते हैं, वो आतंकवाद नहीं है तो क्या? ये आतंकवाद नहीं है तो क्या, मुझे आप बता दीजिए। और कुछ नहीं होगा सर, मैं ये भी बता दूं, 3 साल बाद अनट्रेस रिपोर्ट फाइल कर देंगे। झगड़े होते रहते हैं, इसमें धार्मिक एंगल ढूंढना और पॉलिटिशियन का अपना प्रोपेगेंडा चलाना ये सही है सर, कहीं सही नहीं है। एक धार्मिक एंगल मत ढूंढिए, अगर धार्मिक एंगल में जाके कोई हमला कर दे, हमला कर दे तब भी अगर आतंकवादी कह रहे हैं तो वहाँ मॉब लिंचिंग में शिकार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हो, 800 साल से हिंदुओं की लिंचिंग कर रहे हो, अजय जी लूट के खा रहे हैं, मामला भड़काने की कोशिश। अच्छा एक सेकंड ना, एक सेकंड आप भी रुक जाइए, मैं तस्लीम रहमानी के पास जा रहा हूँ ये सवाल पूछने के लिए कि आप कह रहे हैं पार्किंग विवाद को धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है। तस्लीम रहमानी, पार्किंग से मामला धार्मिक स्थल तक पहुंच कैसे गया, ये भी तो सवाल है ना। जब झगड़ा पार्किंग का था तो पार्किंग में निपट जाना चाहिए था, धार्मिक स्थल तक गया, अब जब धार्मिक स्थल तक गया है तो फिर धार्मिक भावनाओं की बात उठेगी उसमें। देखिए रोहित जी, मैं पुरानी दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ और जिस गली में ये हंगामा हुआ है बिल्कुल उस गली के करीब की मैं पैदावार हूँ, मेरा पूरा बचपन वहीं गुजरा है। और अब ये मामला ठंडा हो रहा है, कल बहुत अच्छा, कल मैं उसी वक्त रात से ही, रात को 1 बजे उस दिन से मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, और जानबूझ के मैं वहाँ गया नहीं कि कोई धार्मिक भावनाएं भड़के नहीं। और आपके जाने से भड़क जाती है क्या भावना? लोग जो हिंदुस्तान के, आप लोग तो बड़े लोग हैं, माना जाता है कि आप लोग जाते हैं तो ठंडा कराते हैं। लोग भड़काते हैं ना, अभी भड़का रहे आपके जाने से भड़क जाते हैं, आपको भी कह रहे हैं, यहाँ बैठ के भी कर रहे हैं, उसको ठंडा ही कर रहा है, होने लगा है ठंडा। और पुलिस का रोल बहुत अच्छा है वहां पर, उसको ठंडा कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्किंग का विवाद को मंदिर पर हमला, जो अभी अब मुझे हैरत है कि हर्षवर्धन जी का जो बयान है, हर्षवर्धन जी वहां के एमपी है, मिनिस्टर तो बाद में वहां से एमपी चुने, वो कह रहे हैं कि भगवान जी का मंदिर तोड़ दिया गया। ये बयान अगर हर्षवर्धन जी देंगे तो इसका मतलब जो अभी ठंडक एक माहौल में आ रही है, एक अच्छा तो क्या कहना हो गया, जब तस्वीरें दिख रही हैं मस्जिद के बाहर, सब कुछ सार्वजनिक है, लोग आके सामने कह रहे हैं, तो क्या कहें? पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, आप सांसद होते तो क्या कहते? पुलिस को मजीद लोगों को गिरफ्तार, यही घटना अगर उलट होती इससे जैसी आज है तो आप क्या कहते तस्लीम रहमानी? मजीद लोगों, आप भी वही कह रहे थे जो अजय गौतम कह रहे हैं आज बैठ के कि आतंकवादी है, तब आप उनको आतंकवादी कह रहे होते, क्योंकि आप कहते हैं आए दिन आके बैठ के यहाँ पर। नहीं नहीं, मैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता, मैं आपकी भाषा सुनता हूँ सर, हर रोज आप मेरे साथ होते हैं, आतंकवादी कहने का एक आप आए तीसरे दिन मेरे साथ होते हैं किसी ना किसी चर्चा में, रहमानी साहब हुआ है, मैं भी जानता हूँ, जोड़ते हैं आप एक बात, हाँ मैं रहता हूँ, आप ये बात समझ भी, आप नहीं जानते रोहित सरदार सर, तस्लीम रहमानी कल यहाँ पे बैठ के मौलाना साजिद रशीदी जो इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बताते हैं अपने आप को, बहुत बड़ा वो कह रहे थे कि जो लोग लिंचिंग करते हैं राम का नाम लेके वो आतंकवादी हैं, भगवान एशिया फिर, और यही आप भी कहते हैं बैठ के, आज क्या हो गया?
बोलिए ना, ये लोग भी आतंकवादी हैं, गौतम सही कह रहे हैं। सुनिए रोहित सरदार, कौन है आतंकवादियों का, कौन है वो? हम लोग तो 2500 साल भड़काते तो आप हैं, आपने खुद स्वीकार किया कि मैं इसलिए नहीं गया कि भड़क जाते, आपने खुद स्वीकार किया कि मैं नहीं गया क्योंकि लोग भड़क जाते, आपने माना कि आपके जाने से भड़कते हैं लोग, ठंडा होने लगा उसे आप भड़का, आपने माना कि आपके जाने से लोग भड़कते हैं, आप जिम्मेदार होंगे, आपने माना कि आपके जाने से लोग भड़कते हैं, नहीं कहा ये, आपने माना कि आप इसलिए नहीं गया कि लोग भड़क जाते, ये भड़काते नहीं है आपके, आपको राजनीति करते हैं और यही राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, आपके मुंह शब्द मैं नहीं डाल सकता सर, आप शरीर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कब कहां कैसे बोलना और कितना बोलना, बहुत अच्छे से जानते हैं आप, बिल्कुल नहीं सर, ये आप अपनी टोपी मेरे से ट्रांसफर कर रहे हैं, कोशिश करके आप अपनी टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि आप फंसे हुए इस समय, फंसे हुए इस समय, ठीक है सर, रुक जाइए, अब रुक जाइए, एशिया की मार्केट को आप आग में झोंकना चाहते हैं, तस्लीम साहब एक सेकंड रुक जाइए, हाँ सर वहाँ तो मैं ही गया था तोड़फोड़ करने, आप लोग तो घर बैठे टीवी देख रहे थे केवल, आज जो उस पूरी घटना को पार्किंग विवाद कह के हवा में दबा देना चाहते हैं वो लोग तो सबसे ज्ञानी है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, तस्लीम साहब आपसे ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, आपसे शरीफ, आपसे ईमानदार, आपसे बढ़िया कोई आदमी नहीं जो इस देश में शांति का झंडा लेके सबसे आगे चल रहा है, बाकी सब लोग दंगाई हैं, आप सबसे सयाने हैं। संगीत रागी जल्दी से कमेंट ब्रेक पर जाने से पहले, सर प्लीज, जो वहां पर मॉब को लेके गया ये जांच का विषय है, हाँ हाँ सर अब तो जांच होगी, बाकियों में तो आप यही अपनी कुर्सी पे बैठे फैसला सुना देते हैं, आज आपको जांच याद आ रही है, संगीत रागी जल्दी से पार्किंग विवाद एक सेकंड सर, रहमानी साहब रोज सुनते हैं अपने बयान, सुन लीजिएगा शर्म आ जाएगी, अलग अलग तरीके से जैसे आप पलटते हैं, रोज बोलते हैं, रोज सुन लीजिएगा अपने बयानों को, पता लग जाएगा कब किस संदर्भ में कैसे बोलते हैं, संगीत रागी ब्रेक पर जाऊं उसके पहले जल्दी से आपका एक कमेंट, जल्दी से आपका एक कमेंट, मतलब सवाल चाहते हैं, अगर खबर दिखाएं तो हम दंगा भड़का रहे हैं, और वो जो उसे पार्किंग का नाम देकर दबा देना चाह रहे हैं, वो जो पार्किंग के झगड़े में धार्मिक स्थल तक पहुंच जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे वो समाज सेवा के लिए कर रहे हैं क्या, मुझे हैरानी हो रही है कि जो मंदिर मंदिर के अंदर भगवान जी की मूर्तियां तोड़ी गई हैं उसके बारे में भी जिक्र हो रहा है तो उन्हें परेशानी हो रही है, आखिर क्या किया जाए, दो चीजें हैं, पहली बात तो कि यदि दोनों के बीच में पार्किंग का मामला था तो 20-25 लोग आकर के उनको मारने के लिए क्यों आया था, दूसरी बात वहीं से 20-25 आदमी जाता है, मान लिया जाता है कि यदि आपको कुछ ऐसी नाराजगी भी है तो आप कुछ बोल देंगे, लेकिन धार्मिक स्थल के अंदर आप प्रवेश करते हैं, लात से उसको उसके उसके गेट पर धक्का मारते हैं, उसके बाद वहां पास के कूड़े हैं वो फेंकते हैं, उसके बाद जाकर के भगवान जी की मूर्तियां तोड़ते हैं, ये कौन सी मानसिकता है, यही तालिबानी मानसिकता है भाई, इसी चीज का डर है, और ये कोई पहली बार घटना नहीं हो रही है, वहां के आप पुजारी जी से पूछ लीजिएगा, वो आसपास के कूड़े वहां अक्सर फेंक करके जला जाते हैं, चूंकि हिंदू वहां के आसपास बहुत डरते रहते हैं, डर से रहते हैं, इसलिए उसका वो प्रतिकार नहीं करते हैं, और आज हालत इतनी इस स्तर तक पहुंच गई कि आप जा करके वहां मारें, इसमें भी कोई सच्ची बात है, जितने भी व्यापारी हैं आप उनसे देखिए, उनसे वसूली भी ली जाती है, ऐसा नहीं है, वहां के लोगों वहां से इतनी बड़ी गुंडागर्दी है, और दुर्भाग्य है कि पुलिस वहां पर एक्शन नहीं लेती रही है, पुलिस इस चीज को बहुत बहुत हल्के से लेती रही है। यहीं से संगीत रागी सवाल शुरू हुआ था, दंगाई मस्त है, पुलिस पस्त है, बंगाल में अगर ऐसा मामला होता तो हाय तौबा मच जाती, लेकिन दिल्ली में है, क्या बीजेपी के अधीन है दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार में रहते हुए, इसलिए सब तरफ सन्नाटा है, चुप है, क्योंकि दूसरे के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना आसान होता है, अपने जिम्मे जो कानून व्यवस्था है उसमें मामले को दबा देने में बेहतरी होती है।